डियर एसडेंट्स नाउ वी विल सी द फर्स्ट वाइब्रेशन फॉर टू डिग्री ऑफ़ फ्रीडम हम लोग सिंगल डिग्री ऑफ़ फ्रीडम इन फर्स्ट वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं और दैट वॉज द वेरी सिंपल इक्वेशन दैट वॉज द एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्ल टू एफ साइन ओमेगा टी ये हमारा स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता था फर्स्ट वाइब्रेशन का अब हम लोग यहाँ देखेंगे टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कि देयर इज टू मासेस एम वन एंड एम टू इट्स पोजिशन इज डिफाइंड बाई एक्स वन एंड एक्स टू स्प्रिंग स्टिफनेस के वन के टू एंड दिस इज द के अगेन सी वन दिस इज सी टू एंड दिस इज द डैम्पर सी वन नाउ दिस इज The damper. Now we can see here. This is the first vibration equation. So here will be F1. Here will be F2. F2 of t. Either F1 of t. और इसका free body diagram भी हम draw कर सकते हैं. इस m1 के लिए free body diagram देखिए. This is m1. यहाँ पे k1 है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के वन एक्स वन इधर क्या होगा सी वन एक्स वन डॉट इधर क्या होगा और यहाँ पे आपका एम टू भी है तो एम टू के साथ पहले जब फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो इंडिपेंडेंट जो आसानी से जहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है उस फोर्स को सबसे पहले दिखा लेना चाहिए तो उस फोर्स को हम दिखा लिए यहाँ पे और यहाँ पे सी टू एक्स टू डॉट उसी तरह से यहाँ पे आपका कौन सा है F2 और F2 के चलते यहाँ पे X2 डबल डॉट है और यहाँ पे आपका F1 और F1 के चलते X1 डबल डॉट है नाउ कम टू दिस पॉइंट व्हाट विल बी जो यहाँ पे लगेगा इस सरफेस पे वही यहाँ भी लगेगा तभी तो न्यूट्रल होंगे तो यहाँ पे क्या होगा K एक्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन और यहाँ पे सी एक्स टू डॉट माइनस एक्स वन डॉट ए एस्कस डेम्प्ड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज हियर द सिस्टम हैविंग टू मास एम वन एंड एम टू इट इज पुट टू एक्साइटेशन फोर्स एफ वन एंड एफ टू द वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर रिजॉल्व विद दी हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम हेयर इस फ्री बॉडी डाइग्राम से हम आसानी से देख सकते हैं अब इस देखने के बाद हम इक्वेशन फोर्सेस जब दिखा दिए तो इस फोर्स के लिए इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं एंड वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटर्न हेयर सच एज एम वन एक्स वन डबल डॉट इसके लिए लिख रहे हैं एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस के वन एक्स वन प्लस के एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन माइनस एक्स टू यहाँ पर हमने लिखा है एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस सी वन एक्स वन डॉट प्लस सी एक्स वन डॉट माइनस एक्स टू डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 वन ऑफ टी उसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या होगा हमारा m2 x2 डबल डॉट प्लस k2 x2 प्लस k x2 टू माइनस एक्स वन सिमिलर विल बी कंटिन्यूड डर सी टू एक्स टू डॉट प्लस सी एक्स टू डॉट माइनस एक्स वन डॉट इक्वल टू एफ टू ऑफ टी विच कैन बी फर्दर रिटर्न वेज इसको हम फर्दर शॉर्ट करके लिख सकते हैं विच कैन बी रिटर्न एज अब इसी को हम इधर के वन एक्स वन है और यहाँ भी आपका के एक्स वन है तो एक्स वन के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन को क्या होगा एम वन एक्स वन डबल डॉट प्लस c1 वन प्लस सी एक्स डॉट एक्स वन डॉट एक्स वन को हमने यहाँ कॉमन ले लिया प्लस k1 वन प्लस के एक्स वन माइनस सी एक्स टू डॉट माइनस के एक्स टू इक्वल टू एफ वन ऑफ टी उसी तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम टू एक्स टू डबल डॉट प्लस सी टू प्लस सी एक्स टू डबल डॉट प्लस के टू प्लस के एक्स टू माइनस सी एक्स वन डॉट माइनस के एक्स वन इक्वल टू एफ टू ऑफ टी द एबव टू इक्वेशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर सी हियर वेरी केयरफुली ऑल parts are involved to each other so it is dependent this equation of motion this equation of motion this is the first equation let this is the first equation and this is the second equation this first equation has motion of m2 has x1 dot x1 terms these terms are known as coupling terms जैसे ये एम टू के लिए निकाल रहे हैं बट इसमें एक्स वन इन्वॉल्व है आप यहाँ देख सकते हैं एक्स वन इन्वॉल्व है सो दिस इज कॉल्ड कपलिंग इक्वेशन यहाँ पे एक्स वन इन्वॉल्व है यहाँ पे एक्स टू इन्वॉल्व है सो इट इज कॉल्ड कपलिंग इक्वेशन सो द मोशन ऑफ मास एम वन इज डिपेंडेंट ऑन द मोशन ऑफ मास एम टू एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू द इक्वेशन सो फॉर्म आर कपल्ड इक्वेशन

नो कपलिंग के एंड सी आर जीरो देन व्हाट विल बी द इक्वेशन इफ सी एंड के बोथ आर जीरो द इक्वेशन आर कॉल्ड अनकपल्ड इक्वेशन यदि सी और के दोनों जीरो हो जाए दिस विल बी अनकपल्ड इक्वेशन दिस इक्वेशन कैन बी आल्सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अच्छा ये ध्यान दीजिए जब C एंड K जब C और K होगा तो कपल्ड इक्वेशन नहीं होगा तो अनकपल्ड इक्वेशन यदि C और K होगा इसका मतलब M1 M2 के ऊपर डिपेंडेंट है M2 M1 के ऊपर डिपेंडेंट है यदि सी और K दोनों जीरो हो जाए तो अनकपल्ड इक्वेशन एंड बोथ विल बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर दिस विल नॉट डिपेंड ऑन एनी वन

C2 इसके साथ क्या हो जाएगा X1 वन डॉट और X2 टू डॉट नव फॉर के प्लस स्प्रिंग फोर्स K1 वन के माइनस के माइनस के के प्लस के टू और इसके साथ क्या आता है x1 x2 x1 और x2 टू इक्वल टू एफ़ वन ऑफ टी और एफ़ टू ऑफ गेन दिस विल बी इन दी मैट्रिक्स फॉर्म यदि इसको हम देखें दिस विल बी इन दी फॉर्म इन दी फॉर्म एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ इट इज वेरी सिमिलर टू इट इज वेरी सिमिलर टू फोर्स्ड वाइब्रेशन इक्वेशन और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल ऑफ डिग्री फ्रीडम के लिए क्या था एम एक्स डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो तो दिस इज टू बाई टू टाइप मैट्रिस मैट्राइसिस नॉन एज मास मैट्रिस damping matrix and a stiffness matrix respectively in x double dot x dot and x here f are the acceleration force this is the acceleration velocity and displacement and this is the force and in case of this one in case of this equation in case of this equation these are the two into one type matrix so we can develop the equation for forced vibration for two degree of freedom in the similar way thank you very much keep watching and subscribe this channel if you have not subscribed yet